हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीनोमियल्स वाले चैप्टर में, थर्ड पार्ट जो हमारा हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, वैल्यूज ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट टुडे वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। प्रीवियस दो पार्ट जो हम लोगों ने पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया। हम लोगों ने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलीनोमियल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ा। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल दो बेसिस पर पढ़ा, एक टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाइड है और एक पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर है। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ पॉलीनोमियल। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, किसी पॉलीनोमियल को ना पी एक्स लिखते हैं, पॉलीनोमियल इन एक्स। अगर ये वाई में हो, फॉर एग्जाम्पल 5y-7, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पॉलीनोमियल इन वाई। ठीक है, ये बस डिनोट करने का एक ढंग है। ठीक है, इसको लेके कोई किसी तरह कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये अगर कहीं पी एक्स लिखा हुआ है आपके चैप्टर में, आप है ना, आपके किसी क्वेश्चन में पी एक्स लिखा हुआ है, तो आप उसको पॉलीनोमियल इन एक्स पढ़ सकते हैं 9th-10th लेवल पर। ओके, सो अच्छा, फटाफट से एक और छोटी सी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस टाइप का पॉलीनोमियल है, तो आप क्या बताएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट आंसर करते हैं कि सर ये लीनियर पॉलीनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आंसर करते हैं कि सर ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स इन दिस पॉलीनोमियल, दिस इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज बाइनोमियल। तो जब भी आपसे कोई पूछे या एग्जाम में भी कभी आया कि ये किस टाइप का पॉलीनोमियल है या कोई भी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा स्मार्टली आंसर कर दीजिए। बस इसको आप ऐसे बोलिए कि ये लीनियर बाइनोमियल है ना। हमारे सवाल जवाब बताते हैं कि आप कितने अच्छे से चीजों को पढ़े हैं या कितना अच्छा जानते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि किस टाइप का पॉलीनोमियल है, तो अपना आंसर सिर्फ लीनियर पॉलीनोमियल मत दीजिए या सिर्फ बाइनोमियल मत दीजिए, इसको आप ऐसे बोलिए दिस इज अ लीनियर बाइनोमियल। ओके, सो वी हैव अ लीनियर पॉलीनोमियल 3x+5, इसको हमने पी एक्स लिखा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलीनोमियल की मैं यहां x लिख ले रहा हूं, यहां पी एक्स लिख ले रहा हूं। ओके, ध्यान से बात समझिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके से समझा जाए, बट बस ऐसे ही हम ऐसे कहें इसको कि ये पॉलीनोमियल जो है ये एक मशीन है। ठीक है, दिस इज अ मशीन, ये एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसको जब मैं x की कोई वैल्यू दूंगा ना, तो ये प्रोसेस करके इसको कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस कंप्यूटर से, इस प्रोग्रामिंग से पूछा, इस मशीन से पूछा कि भाई x इज इक्वल टू 0 पर तुम क्या आउटपुट दोगे, x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये कहेगा कि x इज इक्वल टू 0 पर, मैं बता रहा हूं 3×0+5 यानी कि 5 आउटपुट देगा। भाई इससे पूछोगे, अगर आप इससे पूछोगे भाई तुम क्या हो, तो ये कहेगा मैं एक लीनियर बाइनोमियल हूं। आपने पूछा तुम किस वेरिएबल में लीनियर बाइनोमियल हो, तो ये कहेगा x में। इसका मतलब तुम x पर डिपेंड करते हो, ये कहेगा हाँ। x पर किस तरह से डिपेंड करते हो, ये कहेगा x में 3 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करेंगे तब मैं आऊंगा। आपने कहा अच्छा, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो 0 × 3 = 0, 0 + 5 = 5। तो ये इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज 5 एट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यानी 3×3 = 5, दिस विल बी 8। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रख लीजिए, -3 हो जाएगा, -3 + 5 विल बी 2। ऐसे अलग अलग x की जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाएंगे, ये माशा अपना अपना कुछ ना कुछ आउटपुट देते रहेंगे, है? थोड़ा सिंपल सा हिसाब है। अच्छा चलो, थोड़ा सा ये सोचिए कि x की कौन सी वैल्यू, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं ताकि प्रेडिक्शन आसान हो जाए हमारी। मैं यहां 6 लिख लेता हूं एक बार के लिए, ओके, और ये 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, बस प्रेडिक्शन आसान हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां x की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये पॉलीनोमियल 0 हो जाए, किस वैल्यू के लिए x की कौन सी वैल्यू यहां रखेंगे ये पॉलीनोमियल 0 हो जाए, तो आपने कहा कि 2 रखेंगे, तो 0 होने का मतलब ये +6 है तो ये -6 है, ये -6 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखनी होगी, -2। अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा तो -6 + 6 will be 0।
ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको x की कोई और वैल्यू मिलेगी कि जो इस पॉलीनोमियल को जीरो बना दे, मतलब वैनिश कर दे। ठीक है, आप यहां चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस केस में आपको x की कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी, x की आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, कौन, -2, जहां पे ये पॉलीनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। x की आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो पॉलीनोमियल का अलग अलग आउटपुट आएगा। x is equal to 0 पर आउटपुट 6, x is equal to 1 पे पॉलीनोमियल की वैल्यू 9, x is equal to -1 पे पॉलीनोमियल की वैल्यू 3 है। x की कौन सी वैल्यू पे पॉलीनोमियल 0 हो जा रहा है, -2 पे। ओके, ऐसे और भी केसेस हो सकते हैं ना, और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट, एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं इस क्वाड्रेटिक को बहुत अक्सर यूज करता हूँ। ओके, इससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी वैल्यू क्या है, इससे मैंने पूछा कि तुम्हारी वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है। इसने कहा 0 माइनस 0 प्लस 6, ये कहेगा 6 आ रही है, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, इसने कहा 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 और 1 7 माइनस 5 2। मैंने कहा एक्स इक्वल टू -1 पे तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू -1 रख लीजिए +6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एंड 6 एंड 6 12 आएगी। मतलब एक्स की जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो जाएगी, पॉलीनोमियल की भी उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आती रहेगी। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज 6 एट एक्स इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल इज 2 एट एक्स इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल इज 12 एट एक्स इक्वल टू -1। इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 कब हो रही है, मैं रैंडम ट्राई करके बता रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट कि हम फाइंड कैसे करेंगे फिलहाल के लिए। मैं यहां एक्स की वैल्यू 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 2 रख करके देखते हैं भाई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 6 एंड 4 10 हो गया, 5 2 10 हो गया, 10 माइनस 10 0। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 पे हमारे से 0 आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे भी देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखी है मैंने, 9 एंड 6 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, एंड 15 माइनस 15 विल बी 0। तो एक्स इक्वल टू 3 पे भी ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सॉरी, तो देखने वाली बात यहां पर ये है कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, कौन कौन सी वैल्यूज पे, एक्स इक्वल टू 2 पर भी है 0 है, एक्स इक्वल टू 3 पर भी है 0। इससे पहले वाला पॉलीनोमियल जो था उसमें x की एक ही वैल्यू थी जहां पर पॉलीनोमियल 0 आ रहा था, याद है ना, इससे पहले वाले एग्जांपल में x इक्वल टू -2 पे वो 0 आ रहा था, और ये वाला पॉलीनोमियल x इक्वल टू 2 पे भी 0 आ रहा है और x इक्वल टू 3 पे भी 0 आ रहा है। आप फिर यहां वीडियो पॉज कीजिए और ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, रैंडम कुछ वैल्यूज पुट करके देखिए कि क्या ये पॉलीनोमियल किसी और वैल्यू पर भी 0 होगा क्या, क्या ये कहीं और भी 0 हो रहा है क्या। तो आपको ऐसा मिलेगा कि इन दोनों वैल्यू के सिवा, एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज ऑफ x, दिस पॉलीनोमियल विल नॉट बी 0। मतलब ये पॉलीनोमियल x की इन दोनों वैल्यूज के सिवा और किसी वैल्यू पर 0 नहीं होगा। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ाने का वो क्या है, पहली चीज वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। आपसे जब भी किसी पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो आपको वेरिएबल की वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू पे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पे फाइंड करो, तो आप एक्स इक्वल टू 2 सिंपली रख दीजिए, फिर एक्स इक्वल टू -3 पे फाइंड करो, तो एक्स इक्वल टू -3 रख दीजिए, और आगे का काम बड़ा सिंपल है। ठीक है, सो आई होप वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या है ये बड़ा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब में नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं है या इसमें कोई डेफिनेशन जैसी कोई बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली ऐसे लिखना ठीक है, द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल and a variable of the polynomial at which
द पॉलिनोमियल वैनिशेस इज कॉल्ड या इज या आर कॉल्ड जीरोस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है. वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को वैनिश कर दे. वैनिश करने का मतलब खत्म कर दे, खत्म करने का मतलब जीरो बना दे. वेरिएबल की पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. फॉर एग्जांपल, ऐसे कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. यहां मैं लिख लेता हूं px मतलब पॉलिनोमियल और यहां मैं लिख लेता हूं जीरोस. ओके, तो अगर हमारा पॉलिनोमियल 3x प्लस 6 है तो इसके जीरोस, यहां समझिए जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस का मतलब क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पर ये पॉलिनोमियल पूरा खत्म हो जाए, वैनिश कर जाए, जीरो हो जाए. तो ये मार्शल जीरो कब होंगे, जब मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा, माइनस टू. दिस इज द जीरो. व्हाट इज द जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल, माइनस टू. ओके, मैं क्वाड्रेटिक लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर हम लोगों ने निकाला था एक्स इक्वल टू टू पर और x इक्वल टू थ्री पर. x इक्वल टू टू रखूंगा तब भी ये जीरो हो जा रहा था और x इक्वल टू थ्री रखूंगा तब भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा था. तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है, माइनस टू. इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है, टू एंड थ्री. इसका एक ही जीरो आ रहा है, इसके दो जीरोस आ रहे हैं. और भी कोई पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे ओके सो similarly if we talk about x cube minus 6x square plus 11x minus 6. okay, अगर हम इसकी बात करें तो आप इस पॉलिनोमियल की भी अलग अलग वैल्यू पर, x की अलग अलग वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की भी वैल्यू निकाल के देखिए. x इक्वल टू जीरो पर निकाल के देखिए, माइनस सिक्स आएगा. जब आप x इक्वल टू वन रखेंगे इसमें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. जब आप x इक्वल टू टू रखेंगे तब भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा और जब आप x इक्वल टू थ्री रखेंगे तब भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. एक मेथड होती है इनके जीरोस को निकालने के लिए, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट अभी के लिए फिलहाल मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो उस पॉलिनोमियल को खत्म कर देती हैं, जीरो बना देती हैं, और उन वैल्यूज को, वेरिएबल की उन वैल्यूज को मैं पॉलिनोमियल का जीरोस बुलाता हूं, ठीक है. जैसे इस पॉलिनोमियल का जीरो कहां पर है, x इक्वल टू माइनस टू पर. इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से हैं या कहां कहां पर है, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री. इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहां कहां है, x इक्वल टू वन पर है, x इक्वल टू टू पर है और x इक्वल टू थ्री पर है. इसमें अब एक और कॉलम ऐड करने का टाइम आ गया. मैं यहां एक कॉलम और ऐड कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस का. इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आए हैं, वन. इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस थे, टू. दो जीरोस आ रहे थे ना. इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आ रहे हैं, थ्री. एक दो तीन, टोटल कितने जीरोस हैं, थ्री. ओके, तो आई होप आपको ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया हो. आई होप आपको ये अलग अलग पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे, मतलब ये माइनस टू इसका जीरो कैसे है ये समझ में आ रहा है, टू और थ्री इसका जीरो कैसे है. एक्स इक्वल टू टू रखे देखिए ये जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री रखे देखिए ये जीरो हो जाएगा. और वेरिएबल की वो वैल्यूज जहां पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए उन वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह रहे हैं. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सब आपको लिखना चाहिए. आई होप इट इज डन. इसमें एक नोट करने वाली चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो नोट करने वाली है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. सिंपल सर, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है ना. ये वन डिग्री का पॉलिनोमियल तो दिखाई दे रहा है, और इसके कितने जीरोस आ रहे हैं, एक. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री टू है, इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं, टू. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, थ्री. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना,
और इसकी डिग्री क्या है? 3। और इसमें जीरोस कितने आ रहे हैं? 3। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि जितनी डिग्री आ रही है उतने ही जीरोस आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में, कि पॉलीनोमियल की डिग्री के बराबर ही जीरोस उसके पास होते हैं। अगर हमारे पास कोई 10 डिग्री की पॉलीनोमियल हो, x की पावर 10 लिखा हो, 10 डिग्री की पॉलीनोमियल हो, तो उसमें हमें कितने जीरोस मिलेंगे? 10। 10 जीरोस मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें 10 जीरोस ना मिले, 10 जीरोस होते ही होते, ठीक है। जैसे ये लीनियर पॉलीनोमियल 1 0 ही होगा, एक तो एक ही होगा, है ना। ऐसे कह सकते हैं कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ जीरोस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस डिग्री के एग्जैक्टली इक्वल होगा, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, 2 डिग्री 2 जीरोस, 3 डिग्री 3 जीरोस, इस तरह से। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। और हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिमार्क ऐड करेंगे, यही अभी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। आप चाहें तो अपने मन से कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखिए, कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल लिखिए, 4 डिग्री का लिखिए, कोई भी, है ना, और उसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर पाए तो आप ऐसा पाएंगे, ठीक है, एक रिमार्क ऐड करना है यहां पे हमें, आप ऐसा पाएंगे कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलीनोमियल कैन हैव इज इक्वल टू इट्स डिग्री। किसी पॉलीनोमियल के पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, ये उसकी डिग्री बताती है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, जितनी डिग्री उतने ही जीरोस होते हैं। इस पर हमसे कोई क्वेश्चन वोशन नहीं पूछा जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हमने ऐसा निकाल करके देखा कि ऐसी चीज आ रही है, ओके। सो आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ रही हो, ठीक है। इसको हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन का नाम दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हमने देखा है, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, नाइन्थ में सिर्फ लीनियर पॉलीनोमियल है सिलेबस में, लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड करने का। क्वाड्रेटिक का जीरोस फाइंड करने के लिए आपसे नहीं कहेगा, क्यूबिक के जीरोस फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये सब नहीं पूछेगा, जब भी आपसे कहेगा लीनियर पॉलीनोमियल है। तो मैं कुछ एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है, हमसे x की वो वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है जहां पर ये पॉलीनोमियल पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या पॉइंट फाइंड करना है, हमको x की वो वैल्यू फाइंड करनी जहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, मतलब सॉल्यूशन, मतलब मुझे इसको जीरो बनाना है, मुझे 3x प्लस 5 को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो यहां ऐसा करने के लिए x की क्या वैल्यू आएगी, प्लस 5 उधर भेज दीजिए, माइनस 5, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x की कौन सी वैल्यू आ गई मेरे पास, माइनस 5 अपॉन 3। इसका मतलब ये पॉलीनोमियल x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 पर, 5 सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 पर ये पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉलीनोमियल का जीरो कौन हुआ, ये एक ही जीरो आना तो वो आ गया, दिस इज आंसर। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड करने का मेथड भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आज वाले पार्ट में, अभी वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, जीरोस पॉलीनोमियल का क्या है, डिग्री में और जीरोस में, नंबर ऑफ जीरोस में और डिग्री में क्या रिलेशन है, ये भी देखा हम लोगों ने, और एक लीनियर पॉलीनोमियल के जीरो को फाइंड कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। नोट्स बनाते रहिएगा,
क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय बाय।